हम सब जानते हैं कि इस राज्य की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। राज्य में जो परिस्थितियां है, अराजकता की स्थिति में पूरी तरह से 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है, त्रस्त है और पस्त है। और ये सरकार के नुमाइंदे, सरकारी दल के जो काम करने वाले मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं, वो मस्त है, जनता मस्त है। हम सब कोई जानते हैं कि 3.5 साल के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख है कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद अपने कई राजनीतिक भाषणों में उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोग को प्रत्येक वर्ष नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, तो हम राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे, जिसका वीडियो फुटेज पूरे प्रदेश में घूमते घूमते वायरल होगा। मैं कहना चाहता हूं 3 वर्षों में 1,34,742 आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई, और अपराध में हमारी मां बहनों बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी, वो घटना हर झारखंडियों को शर्मसार करने वाली है। सरकार में नियत होती, नेतृत्व में अगर ईमानदारी होती, मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा शक्ति होती, तो उन अपराधियों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक पे उनको सजा पूरी तरह से दिलाने का काम किया जाना चाहिए। परेशान है, 3 वर्षों में मात्र 537 लोगों को इन्होंने नौकरी किया। ये विधानसभा के पटल पर एक विधायक के प्रश्न के जवाब में सरकार ने, सरकार की नीयत, नेतृत्व का मंशा और इस ठगबंधन सरकार की जो नीति है, नीयत है, वह युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की आत्मा को पर प्रहार करने वाली सरकार। आज नौजवान जब अपनी हक और हुकूक के लिए सड़कों में घूम करके अपनी दर्द को बयां करता है, सरकार से न्याय मांगता है, तो सरकार के द्वारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी महाठगबंधन के इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लाठियों का प्रहार किया जाता है, वही जो विदेशी घुसपैठी है वो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके हिंसा कर रहा है। रांची की घटना भी आपको याद होगी, हनुमान मंदिर में वे कौन लोग थे जो बाहर से आकर यहाँ के सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने का काम किया, वे कौन लोग थे जो मंदिरों में हमला किया। आज भी वही लोग पूरे प्रदेश में, चाहे रामनवमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सरोवर का कार्यक्रम हो, योग महोत्सव हो, सबों में इन लोगों ने आकर के इस प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं करने का काम किया, पशु की तस्करी करने का काम किया। और आपकी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं थाने में इनके पशु तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा न बोलते हुए, भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतीक है,
3.5 करोड़ जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में लगातार संघर्ष हो रहा है। प्रखंडों में हम लोगों ने आंदोलन किया, जिलों में किया। अब बारी है इस राज्य की राजधानी रांची में गुलगुलान का डंका पीटा जाए। दोस्तों गुलगुलान, इसलिए झारखंड की जनता की अभिलाषा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में झारखंड के नौजवान, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को जिस प्रकार से लगातार उनके अधिकारों को वंचित करा करके पंचायतों के चुनाव कराए गए, ऐसे सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए सबकी पार्टी भाजपा पार्टी ये मन में भाव रखते हुए हम सब लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी आयोजन करके कार्यक्रम का है, वो कार्यक्रम है प्रोजेक्ट बिल्डिंग, जहां मुख्यमंत्री बैठ करके निर्णय लेते हैं, सरकार के नुमाइंदे मंत्री वहां बैठ करके जन विरोधी नीतियों का निर्णय लेते हैं, वहां पर सरकारी पदाधिकारी जो वरिष्ठ नौकर सा है वो बैठ करके गलत हुक्मों का पालन करते हैं, उनके खिलाफ गुनगुनान करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए 11 अप्रैल को 11 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजन में घेराव किया जाएगा। इसमें झारखंड के जनता का भी सबसे बड़ा भागीदार है। जो मुझे जानकारी मिली है वो बहुत बड़ी जबरदस्त जनाकरों से इस राज्य के सरकार के खिलाफ लाखों लोग यहाँ पहुंचेंगे। लगातार जब से राज्य के गठन हुआ तब से लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल के सबसे बड़े कर्ता कार्यक्रम होगा, सबसे बड़े कर्ता कोई मुझे सूचना भी मिली है। दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सरकार घबराई हुई है, आंदोलन से जन भावनाओं का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए धनबाद और खूंटी में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को वहां के थानेदार धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मेरे पास ये प्रमाणित चीजें, और जो बस के एजेंट हैं उनको धनबाद के थानेदार ने बुलाया। धनबाद में थाने में ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो वरिष्ठ पदाधिकारी है बुला बुला करके धमकी दे रहा है कि बसों को आप ले जाने का काम न करें, जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से ले जाना चाहते हैं। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और जो डरी हुई है सहमी हुई है वो हिंसा का भी सहारा ले सकती है। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, गठबंधन की सरकार की चेहरे को झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने पहचान दिया। कल उनके चेहरे में जो नकाब है, कल उनके चेहरे में जो चीजें हैं उसको उखाड़ करके फेंकेंगे और उनके असली चेहरे को जनता के बीच बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।